हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, कल मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया था जो कि सेक्शन 376 और 375 से रिलेटेड था। और दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सेक्शन 376 आईपीसी यानी कि रेप के केस में टू फिंगर टेस्ट क्या होता है। दोस्तों, हमारे कानून में ये प्रावधान है कि जब भी किसी लड़की के साथ बलात्कार की कोई घटना होगी तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। टू फिंगर टेस्ट स्टार्टिंग से ही बहुत विवादित भी रहा है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये टू फिंगर टेस्ट क्या होता है और इसके आधार पर क्या चीजें मुकदमे के अंदर निकल के आती थी, वो विक्टिम के फेवर की होती थी या फिर एक्यूज्ड के फेवर की होती थी, और ये टू फिंगर टेस्ट का फायदा कैसे पीड़ित लड़की को मिलता था और कई बार इसका जो फायदा है वो आरोपी को भी मिल जाता था। तो आज मैं आपको इससे संबंधित पूरा कानून पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो पूरी जानकारी के लिए आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो लेके आऊँ उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, प्रावधान कुछ इस तरह से किया गया है कि जब भी किसी लड़की के साथ इस प्रकार की कोई घटना होती है तो वो बिना देर किए सबसे पहले अपने निकटतम थाने में जाएगी और वहां पर इसकी सूचना देगी और वहां पर भी बिना देर किए उसकी एफआईआर लिखी जाएगी और उसके बाद उसको जो भी निकटतम चिकित्सालय होगा वहां पर भेजा जाएगा, जो भी निकटतम चिकित्सालय हो और रजिस्टर्ड हो वहां पर जो है उसका टेस्ट कराया जाएगा और उसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। दोस्तों, हमारे देश में 2013 से पहले और कुछ उसके बाद भी टू फिंगर टेस्ट होते रहे हैं। दोस्तों, ये जो टू फिंगर टेस्ट होता है ये रेप की पुष्टि करने के लिए कराया जाता था। ये जो टू फिंगर टेस्ट होता था इसमें लड़की को जब मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लाया जाता था तो वहां पर जो डॉक्टर होता था वो उसकी वेजाइना में अपनी दो फिंगर्स को एक साथ डालकर चेकअप करता था, जांच करता था कि उसके साथ ये घटना कारित हुई है या नहीं हुई है, और जांच करते हुए वो अपने अनुभव के आधार पर जो मेडिकल रिपोर्ट होती थी उसमें ये ओपिनियन लिख सकता था कि ऐसा उसके साथ पहली बार हुआ है, यानी कि ये अटेम्प्ट उसके साथ पहली बार हुआ है, और इसको वो अपनी ओपिनियन में लिख देता था। ये लड़की के फेवर की बात हो जाती थी। लेकिन कई बार ऐसा भी होता था कि टू फिंगर टेस्ट के बाद जो डॉक्टर होता था उसे अपने अनुभव के आधार पर ये लगता था कि ये लड़की के साथ बहुत समय से होता आ रहा है या फिर लड़की इसकी हैबिचुअल है, और जिससे ये पता चलता है कि शायद ये कार्य जो है उसकी कंसेंट से होता आ रहा हो। तो कई बार अपने अनुभव के आधार पर डॉक्टर इस चीज को भी अपनी ओपिनियन में लिख देता था। तो यदि डॉक्टर ऐसा लिख देता था तो जो आरोपी का वकील होता था वो इस पॉइंट को पकड़ लेता था और ये आरोपी के फेवर की बात हो जाती थी, क्योंकि जो आरोपी का वकील होता था वो इस बात को इस तरह से रखता था कि लड़की इस कार्य के लिए हैबिचुअल थी, यानी वो अपनी कंसेंट से बहुत समय से ये सब आरोपी के साथ करती आ रही है और अब वो आरोपी पर इल्जाम लगा रही है। तो जो इसका फायदा होता था वो सीधा सीधा आरोपी को मिल जाता था। तो दोस्तों, ये जो टू फिंगर टेस्ट होता था ये दोनों के लिए ही कई बार अच्छा साबित हो जाता था। यदि डॉक्टर इसमें ये ओपिनियन लिख देता था कि भाई लड़की के साथ ये अटेम्प्ट पहली बार हुआ है तो ये लड़की के फेवर की बात हो जाती थी और उससे आरोपी को सजा भी मिल सकती थी। लेकिन दोस्तों, समझने की बात यह है कि यदि किसी लड़की के साथ इस प्रकार की घिनौनी घटना हुई है उसके बाद आरोपी को सजा दिलवाने के लिए उसे ये टेस्ट करवाना पड़ता था, और इस टेस्ट में डॉक्टर दो फिंगर को अपनी फिर से उसकी वेजाइना में इंसर्ट करता था, यानी कि फिर से उसके साथ एक और रेप कारित होता था। क्योंकि यदि आप रेप की परिभाषा को देखें तो उसमें यही है कि वेजाइना में कोई भी चीज यदि इंसर्ट की जाती है तो वो रेप कहलाएगा, चाहे फिर वो फिंगर ही क्यों ना हो। तो जो लड़की होती थी उसको आरोपी को सजा दिलवाने के लिए एक बार फिर रेप की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। इसी को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, लीलू एलियास राजेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ऐसा करना सीधा सीधा पीड़िता के अधिकारों का हनन है, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाना है, क्योंकि पीड़िता के साथ एक तो ऐसा एक्ट हुआ है जिसके कारण से वो अभी मानसिक और शारीरिक तनाव में है, और उसके जस्ट बाद अगर इस टेस्ट को कराया जाता है तो ये फिर गलत होगा। तो इसके बाद जो ये टू फिंगर टेस्ट था इसको बैन कर दिया गया। दोस्तों, टू फिंगर टेस्ट के बैन होने के बाद आज की डेट पर रेप के बाद केवल मेडिकल टेस्ट होता है। ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है पीड़िता का ये भी किसी महिला डॉक्टर के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ रेयर केस में, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं या विलेज का एरिया है जहां पर जो है लेडी डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं है, तो वहां पर फिर मेल डॉक्टर भी इस टेस्ट को कर सकता है। लेकिन मेल डॉक्टर हो या लेडी डॉक्टर हो, इस टेस्ट को करने से पहले उसे जो महिला है पीड़िता है उसकी कंसेंट लेना, उसकी सहमति लेना बहुत जरूरी होगा, और उसे अपनी सहमति में क्लियर बताना पड़ेगा वो किस चीज के लिए सहमति ले रहा है, क्योंकि इस मेडिकल एग्जामिनेशन में उसको महिला यानी पीड़िता की वेजाइना को देखना भी पड़ेगा। तो वो ये बात उसको पहले स्पष्ट बता देगा कि इस एग्जामिनेशन में ये चीज भी होगी। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो पीड़िता हो वो नाबालिग हो और वो कंसेंट देने में असक्षम हो, तो
ऐसे केस में जो उसके माता पिता होंगे, जो उसके गार्जियन होंगे, उनकी कंसेंट लेनी आवश्यक होगी। दोस्तों जब टू फिंगर टेस्ट होता था उस समय पे बहुत सारी पीड़िताएं, बहुत सारी लड़कियां केवल इस वजह से अपनी FIR दर्ज नहीं कराती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और उन्हें टू फिंगर टेस्ट जैसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो ये भी बहुत बड़ा कारण था जिस कारण से जो लड़की है वो इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी चुपचाप अपने घर में बैठ जाती थी, इसको छुपा लेती थी। परंतु अब जब से जो है केवल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है तो मेडिकल एग्जामिनेशन में उसके एक्सटर्नल इंजरीज को देखा जाता है, जिसे देखकर ये पता चल जाता है कि उसके साथ फोर्सफुली कोई एक्ट किया गया है और उसको मेडिकल रिपोर्ट में भी नोट डाउन कर लिया जाता है। इसके अलावा उसका वेजिनल स्वैब का जो नमूना होता है, सैंपल होता है, वो लिया जाता है, सीमन की सैंपलिंग ली जाती है और DNA टेस्ट भी कराया जाता है। डॉक्टर की जो फाइनल रिपोर्ट होती है वो FSL रिपोर्ट यानी फॉरेंसिक लेबोरेटरी की जो रिपोर्ट होती है उस पर ही उसका ओपिनियन डिपेंड करता है। तो दोस्तों आज के समय पे एक मेडिकल एग्जामिनेशन रेप के बाद कराया जाता है, लेकिन टू फिंगर टेस्ट अब बैन हो चुका है, उसको अब नहीं कराया जाता है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की लीगल जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी नई जानकारी मैं आपके लिए फिर लेके आऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।